जनपद आगरा में वर्तमान समय में टोटल कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 104 है। इसमें से अब लाइव केसेस 89 बचे हुए हैं। इन केसेस को हम लोगों ने टोटल 38 क्लस्टर्स में बांट रखे थे। आज जो केसेस आए उसमें एक बार हमारा बाहर में एक और क्लस्टर बढ़ गया है। इसमें से 10 क्लस्टर को सक्सेसफुली क्लोज कर दिया गया है। जो क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान है डिस्ट्रिक्ट का, उसके तहत जहां भी कोई एक व्यक्ति पाया जाता है उसको हम लोग एक हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। अलग से मजिस्ट्रेट की, पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की टीम लग जाती है उसमें। उस एरिया को हम कम्प्लीटली बैरिकेड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। डोर टू डोर सप्लाई भी वहां पर रिस्ट्रिक्टेड की जाती है, सिर्फ एंट्री पॉइंट से दिया जाता है। जैसे जैसे हमारा केसेस बढ़ रहा है उसके तहत हम लोग फिर एनालिसिस भी करते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती जनपद की एक पारस हॉस्पिटल बन के आई है, जिसके सिर्फ वहां के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोग आए थे वहां से अब तक 16 केस निकल के आए हैं। कुछ ऐसे भी केस है जिसमें लोगों ने बगल के घेरे से भी आए थे, वहां हमने इंटीमेट किया है। एक दो केसेज हमारे इसके हैं जो बाहर से होकर आए थे। जनपद की टीम पूरी इस पर कार्य कर रही है। जो हमारा कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको हमने भारत सरकार ने हमें जो गाइड किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमें गाइड किया था, इस गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को तैयार किया गया है। जो भी हमारे इसमें संशोधन होते हैं, जो भी सुझाव होते हैं टीम को, उसको इसमें रख करके इस पर काम किया जा रहा है। कोरोना ने देश और दुनिया को में विकराल समस्या पैदा कर दी है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना बम आगरा में फूटा और 104 कोरोना पेशेंट पाए गए हैं। कोरोना को लेकर यहां पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की टीम के साथ साथ प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा नंबर 1 की पोजिशन के साथ साथ रोल मॉडल के रूप में भी पेश किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। आप देख सकते हो किस प्रकार बिंदु कोटरा चौकी पर लोगों को समझाते हुए बैरंग लौटाया जा रहा है और जिनके पास हेलमेट और मास्क नहीं है उनको हेलमेट और मास्क लगाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। और इस प्रकार आप देख सकते हो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ बैरियर लगाकर लोगों को समझा रही है। और आज लॉकडाउन का 19वां दिन है। चौब सिंह सक्सेना, आगरा। गोपाल बरवाल को